तो गाइस बचपन में आप सभी ने एक बार ये ज़रूर सोचा होगा कि काश मैं इस धरती पर अकेला बच जाता और इस धरती पे खूब मज़े करता, मुझे देखने वाला कोई भी नहीं होता, ना कोई रोक टोक होती, मेरे जो मन में आता मैं वो करता। डेफिनेटली आप सभी लोगों ने ये सब चीज़ अपने बचपन में सोची होंगी। तो आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये उसका एपिसोड 1 है और इस सीरीज़ में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। दोस्तों इस सीरीज़ के नाम की तरह ही ये सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक जगह को जहाँ पे हमें पता पड़ता है इस धरती पे कोई भी नहीं है एक वायरस के कारण, जिससे कि सभी लोग ख़त्म हो गए। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आदमी को देखते हैं, फिलिप नाम के आदमी को, जो कि जगह जगह पर जाता था और लोगों की खोज करता था। पर जब उसे कोई नहीं मिलता था तो वहाँ पर उस कंट्री पर क्रॉस लगा के दूसरी कंट्री में जाता था। उसकी एक आदत और थी कि वो जगह जगह से सामान चुराता था और अपने घर पर ला के रखता था। हम पता पड़ता है कि उसका जो घर है वो उसी कंट्री में एक वाइट हाउस है, यानी कि उस कंट्री का सबसे बड़ा घर है, वो वहाँ पर रहता था। फिलिप को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी और वो अपने घर में बिल्कुल इतना कूड़ेदान बना के रखता था जैसे मानो उसे कोई रोकने टोकने वाला सच में ही कोई ना हो। हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिलिप दुकान में सारे कपड़े उतार कर जाता था और वहाँ पर सारे सामान को लेकर आ जाता था। हम लोग देखते हैं फिलिप की एक आदत और थी कि वो दुकान में सारी कैंस को गिरा देता था, वहाँ पर उछल कूद करता था, तोड़ फोड़ करता था और वो जितनी भी एडल्ट मूवीज़ थी उन सभी मूवीज़ के पोस्टर्स को अपने घर पे ला के रखता था। अब एक दिन देखते हैं फिलिप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसे याद आ जाता है कि कुछ साल पहले जब इस धरती पर सब लोग थे तो अपनी फैमिली के साथ कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। अब उसको इस चीज़ की कमी होने लगी थी। हमें पता पड़ता है यहाँ पर कि फिलिप का जो व्हाइट हाउस एक आलीशान घर उसने बिल्कुल कूड़ेदान बना दिया है, उसने उसे सफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझी और वो वहीं पर उस गंदगी में ही रहता था। हम लोग देखते हैं फिलिप अपने स्विमिंग पूल को ही बाथरूम बना रखा है, वहीं पर ही वो अपनी पोटी करता था, बाथरूम करता था। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चों के स्विमिंग पूल में शराब मिलाकर वहीं पर ही नहाता था। हम लोग देखते हैं फिलिप क्या करता है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं था तो वो कुछ बॉल्स पे फेस बना देता है और वो उनसे ही बातें करता था, वो फिलिप्स के दोस्त थे। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि फिलिप अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जो कि एक पुतला थी, वो एक क्लॉथ की दुकान पे थी और फिलिप उससे बातें करता है। अब हम लोग देखते हैं फिलिप एक दिन उसे ये सब चीज़ खटक रही थी, उसे उसके पास कोई भी नहीं था, तो फिलिप यहाँ पर एक ट्रेंच पे चला जाता है अपनी जान देने के लिए। हम लोग देखते हैं फिलिप अपनी गाड़ी में बैठता है और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो गाड़ी को पास ला रहा था ट्रेंच के, वहीं उसे एक धुआं निकलता हुआ दिखता है और फिलिप अपनी जान नहीं देता और गाड़ी रास्ते में ही रोक के उस धुएं के पास जाता है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि उसे लगता है कि उस धुएं के पास कोई है। जैसे ही फिलिप वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक औरत की ब्रा मिलती है, जैसे मानो उसका सारा सपना पूरा हो गया हो। वो वहाँ पर उसकी महक लेता है और वहाँ पर वो एकदम से बेहोश हो जाता है। वो जैसे उठता है तो उसे लगता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और वो वहीं पर जब उसे किस करती है तो फिलिप यहाँ पर टॉयलेट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि अब एक लड़की फिलिप को CPR दे के उठा रही थी। फिलिप यहाँ पर उससे कहता है कि तुम कौन हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो लड़की देखते हैं कि फिलिप ने वॉशरूम भी कर दिया है अपनी पैंट में ही। हम देखते हैं फिलिप की एक चाहत थी कि उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड। अब हम देखते हैं कि वो लड़की जो थी वो खूबसूरत तो थी पर साथ ही साथ वो एक बूढ़ी औरत थी जिसे देखकर फिलिप को कोई फीलिंग्स नहीं आती। वो लड़की फिलिप को अपना नाम बताती है जिसका नाम था क्लेरा। फिलिप भी उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं टक्सन सिटी से हूँ। अब हम लोग देखते हैं ये लोग टी पीते हैं और फिलिप की कार में बैठ के वो चलने लगते हैं एक शॉप की तरफ। हम लोग देखते हैं ये लोग एक शॉप में जा रहे होते हैं अपना कुछ नेसेसरी सामान खरीदने के लिए, पर हम देखते हैं रास्ते में एक स्टॉप साइन पड़ता और फिलिप उस पर अपनी कार नहीं रोकता तो वो लड़की क्लेरा उससे इस बात पर झगड़ने लगती है। फिलिप उससे कहता है कि अब तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो इस साइन का कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी क्लेरा उससे लड़ती है। हम लोग देखते हैं फिलिप एक दूसरी पार्किंग में जो कि सिर्फ अलग लोगों के लिए थी, यानी कि जो लूले लंगड़े लोग थे उनके लिए ही थी, तो वो लड़की उस चीज़ के ऊपर भी फिलिप से लड़ने लगती है। फिलिप कहता है कि उन लोगों के लिए और भी बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए, पर फिलिप क्या करता है कि गाड़ी को सीधा दुकान के अंदर ही घुसा देता है अपनी बहस में। फिलिप उस लड़की को अपना बाथरूम भी दिखाता है और अपना एक स्विमिंग पूल दिखाता है जिसमें अब कबाड़ भरा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो लड़की क्लेरा फिलिप के घर को देखती है उसका घर बिल्कुल ज़्यादा जंकयार्ड बना हुआ था, तो फिलिप उस लड़की को वापस उसके टेंट में ही छोड़ जाता है। हम लोग देखते हैं अगले दिन वही लड़की क्लेरा फिलिप के घर में आती है, उसके घर में साफ सफाई करती रहती है, पर फिलिप को ये पसंद नहीं था, उसे कूड़े गंदगी ढेर इन सभी चीज़ों में रहना पसंद था। फिलिप नहीं चाहता था कि इस चीज़ की इस जगह की सफाई हो, वो ये भी नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो कि इन चीज़ों को साफ करे और मुझे किसी चीज़ को करने से रोके। उस पागल की को अभी तक अकल नहीं आई थी।
हम लोग देखते हैं फिलिप अपने स्विमिंग पूल में पोटी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। वो फिलिप से कहती है कि हमें अपने घर पे पानी लाने के लिए एक बोरवेल खोदना होगा जिससे कि हम पानी लगा सकें और अपनी फसल उगा सकें। यहाँ पर फिलिप उसे मना करता है तो वो लड़की उसे टमाटर खा के चिढ़ाती है। अब हम देखते हैं फिलिप उसी रात को उस लड़की के सारे टमाटरों को खा जाता है, सारी फसल को खा जाता है। अगले दिन क्लेरा फिलिप के पास आती है, वो फिलिप को देखती है कि फिलिप के जो सारे कपड़े थे वो टमाटरों में सड़े हुए थे। फिलिप भी देखता है क्लेरा को जिसका जो पैर था वो भी ख़राब हो गया था बोरवेल खोदने के चक्कर में, जिसे देखकर फिलिप को भी तरस आता है। अब हम लोग देखते हैं अगले दिन जो क्लेरा थी वो भी अब साफ सफाई की ज़िंदगी से परेशान आ गई थी और ये सोचने लगी थी कि इस पूरी दुनिया भी गंदी पड़ी है तो इसे साफ कौन करेगा, हम दोनों कर नहीं सकते। और वो ये सोचती है कि भगवान ने जो हमारे लिए प्लान रखा था कि हम नई दुनिया बसाएंगे, वो प्लान भी अब मेरे को ख़त्म होता दिख रहा है क्योंकि हम दोनों कैपेबल नहीं है कि हम लोग एक नई दुनिया बनाएं, क्योंकि हम दोनों की आदतें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और ये अब ठीक नहीं हो सकती। हम लोग देखते हैं क्लेरा एक दिन फिलिप को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है और फिलिप भी उसके घर पे डिनर करता है। अब डिनर की लास्ट में ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे, पर शादी करने का रीज़न ये था कि फिलिप चाहता था कि क्लेरा उसके साथ इंटीमेट हो, पर क्लेरा कहती है कि शादी से पहले कुछ भी नहीं। हम देखते हैं अगले दिन ये लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पर शादी की सारी रस्मों को करते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी, फिलिप को लगता है एक सपना है तो वो चिल्लाता है और वो सपने से उठ जाता है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए कि ये सपना ही है, वो खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि सब लोग मर चुके हैं और ये सच में ही सपना है। हम लोग अगले दिन क्लेरा को देखते हैं जो कि एक शॉप में जाती है शादी की तैयारियां करने के लिए और फिलिप भी जाता है एक रिंग लेने के लिए शादी के लिए, पर वो रिंग तो नहीं ले रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर पार्टी कर रहा था अपनी शादी की खुशी में। हम लोग देखते हैं फिलिप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास भी जाता है जो कि पुतला थी, वो उसे बातें करता है कि अब मेरी शादी होने वाली है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। हम फिलिप को देखते हैं जो कि चर्च में जाता है शादी करने के लिए पर वो रिंग लाना भूल जाता है, तो हम देखते हैं कि जो क्लेरा थी वो उस पर नाराज़ हो जाती है और फिलिप कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है, तो क्लेरा उससे नाराज़ हो गई बीच शादी में ही चली जाती है। अब हम लोग फिलिप को देखते हैं जो कि क्लेरा के घर पर आया था और क्लेरा वहाँ पर सारी तैयारियाँ करके बैठी थी, पर क्लेरा ने उसके लिए गेट नहीं खोला तो फिलिप उसके घर का गेट तोड़ के उसके घर में घुस जाता है। और जैसे उसे पता पड़ता है कि क्लेरा ने सच में उसके लिए कितनी सारी तैयारियाँ की थी तो फिलिप के मन में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब हम लोग इन दोनों को देखते हैं जो कि जो फिलिप था वो क्लेरा को लेकर जा रहा था एक ज्वेलरी शॉप में और वो क्लेरा को उसकी पसंद की सारी रिंग्स पहना देता है जो कि क्लेरा की वेडिंग रिंग्स थी। इसके बाद ये दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन इनकी वेडिंग के अगले दिन हम लोग क्लेरा को देखते हैं और फिलिप को देखते हैं जो कि ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। अब खेलते खेलते ये लोग इसमें बोर हो जाते हैं तो ये लोग कुछ एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं। ये लोग अग्निशामक सूट पहन लेते हैं, बियर की कैंस को फोड़ देते हैं क्रेन पे, और हम देखते हैं कि जो क्लेरा थी वो फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड से भी लड़ रही थी जो कि पुतला थी। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बिल्कुल अब सेम हो चुका था और ये दोनों बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। अब हम लोग देखते हैं जो फिलिप था वो अपनी कार से एक कार को टक्कर मार देता है जिसमें कि एक खूबसूरत लड़की लिव निकलती है। हम लोग फिर से फिलिप को देखते हैं जो कि अपने डिसीजन पे पछता रहा था कि अपनी शादी के डिसीजन से कि उसने किससे शादी कर ली, उसे इस खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए थी। दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।